आइए चाचा जी, आओ आइए आइए चाचा जी, आइए डरिए मत, आइए आ जाओ चाचा, बिल्कुल मत डरिए, आइए आ जाओ, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो आइए आइए आओ चाचा, आइए आइए। देखो देखो चाचा जी, ताले नो सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर। देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? आओ चाचा, आप कुछ चेक कर लीजिए, आइए। आओ चाचा जी, आओ। देखिए देखिए, बिल्कुल डरिए। चाचा जी, सारी बिल्लियों की आंखें ऐसे ही होती हैं। गई चाचा जी, गई। वो डर गई। उसे डरे नहीं, मैं हूँ आपके साथ। आओ, आ गई। आओ आराम आराम। देखो, ओ पिरु पापू, ओ चाचा जी को हिम्मत देने की बजाय खुद ही डर रहे हो यार। पोपट तो बिल्ली से डरता ही है ना जोड़ी। नहीं नहीं, वो चाचा जी चिल्लाए इसलिए, वरना मैं डरा नहीं था। मैं भी ऐसे ही था, वो न्यूटन्स लॉ बोलते ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए वो रिएक्शन था मेरा, मैं डरा नहीं था सोड़ी। बिड़ो, ये वही बिल्ली थी जो हमको नीचे मिली थी। अरे हाँ, बिल्ली नीचे मिली थी। मिली थी मतलब चाचा जी दिखी थी, हम आपके पास जब आ रहे थे ना तब ये बिल्ली दिखी थी। चाचा जी अभी आप खुद तसल्ली कर लीजिए, देखिए ताला लगा हुआ है ना, ये देखिए। चाचा जी आज देख लीजिए, अच्छा जी कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, देख लो। अच्छा जी, हो गई तसल्ली। लेकिन मैंने जो देखा था वो आपका भ्रम था चाचा जी, और कुछ नहीं था। हाँ चाचा जी, जब इंसान कुछ देख लेता है लेकिन वास्तव में वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान को फिर भी लगता है कि वहाँ पे कुछ है, तो उसे भ्रम कहते हैं। चाचा जी अभी आप आराम कीजिए, लगता है आप किसी तनाव में, अभी आप घर जाइए, शांति से सो जाइए। हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चाचा जी वो भ्रम था, हकीकत थी, क्या था वो सब भूल जाइए, अभी आप आराम से रेस्ट कीजिए। चलिए कर, चलिए ओपरलाल चाचा जी के घर पे तुम भी चलो। हाँ चल रहा हूँ, चल। अरे ना आइए ना कहीं, हाथ में आई शपथ कुछ नहीं है। अरे मेरा छाता तो ले ले, छाता ले। सॉरी यार, चल आओ चल। तेरी चाचा जी आओ, आई आई। जी अभी आप भगवान का नाम लीजिए और शांति से सो जाइए। अच्छा जी, अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने अभी खुद वहां जाके अपनी आंखों से देखा ना, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो अभी आराम से शांति से आप सो जाओ। अरे मुझे नींद नहीं आएगी, पूरी रात मेरी आंखों के सामने वही सब आता रहेगा, मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, रोशनी। चाचा जी के जो हालात है ना, तो चाचा जी अकेले नहीं सो पाएंगे, तो एक काम कर, चाचा जी के साथ यहीं पे आज रुक जा। सॉरी, तू तो जानता है ना माधवी कैसे डर गई थी अभी, तो मेरा माधवी के साथ रहना जरूरी है भाई। अरे हाँ, रोशन डार्लिंग को भी देखा ना कितना डर रही थी, रोशन को मैं भी अकेले नहीं छोड़ सकता। आप दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ओपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपट लाल, डरने के लिए तुम्हारे घर पे बीवी कहाँ है? मेरा मतलब है कि तुम वैसे भी अकेले रहते हो, वहां पे सोए क्या और यहाँ पे सोए क्या, एक ही बात है ना, इसलिए रुक जा। ओपो, हमारा गोकुल धाम जो है वो एक परिवार है, और जब एक परिवार के सदस्य को जरूरत हो दूसरे परिवार के सदस्य की, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है यार। हाँ पर पोपू मान जाए यार। हाँ मान गया, वो मान गया। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, पोपटलाल आपको हिम्मत देने के लिए आज रात यहीं रुकेगा।
मुझे कुछ हुआ तो मुझे हिम्मत कौन देगा? पप्पू पूरी दुनिया को हिलाने वाला आज खुद डर रहा, वो तेरी हिम्मत कौन गई? शाबाश। तो चाचा जी अभी हम चलते हैं, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। करेंगे। चल पप्पू गुड नाइट। चंगा चाचा जी, ध्यान रखियो। पप्पू चाचा जी का ध्यान। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूँ आपके साथ। वो बंगला इतना सुनसान जगह पे था, कुछ जाता ही नहीं था वो साइड, मतलब लोग तो इतने डर। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वो कुछ था ही नहीं तो होता क्या? हाँ चाचा जी को हमने बहुत समझाया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं थे। फिर हम चाचा जी को मोहनलाल मटका के फ्लैट में लेके गए, वहाँ पे दिखाया कि देखिए यहाँ पे बड़ा ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मान गए ना वो, चला बरे साला। और चाचा जी को हिम्मत दिलाने के लिए हमने पप्पू को बोला तू यहाँ पे रुक जा, और वो रुक गया। ये रोशन तूने इतनी रात को पोपट भाई को क्यों जगाया? वो नहीं सोनी है, वो तो जस्ट अभी प्रेस से आया था तो इसलिए उसी को ही बोल दिया। पर इस पूरी बात में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? देखिए चाचा जी की आंखें तो बहुत तेज है और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत है, तो उनको ऐसा सब आभास कैसे हो सकता है? मेरे मगज में भी ये बात आई थी, है ना? लेकिन आभास होने को तो किसी को भी हो सकता है ना। लेकिन चाचा जी को नहीं, नहीं आप लोगों को कोई गड़बड़ नहीं लग रही है इसमें? ओ माधवी भाभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो चाचा जी ने कोई बुरा सपना देखा होगा और इसलिए डर गए होंगे, और डर तो वो बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं है जी। नहीं बरोबर है सोड़ी भाई, पर क्या है? अरे क्या पर इतनी चर्चा क्यों करनी है माधवी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी हम सब शांति से सो जाते हैं। हाँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाचा जी को वहाँ पे अच्छे से नींद आ जाए, और पप्पू को भी। देखिए चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए, सोइए। देखिए देखिए मैं आपको ये कंबल उड़ा देता हूँ, सो जाइए आराम से सो जाइए, मैं यहीं आपके पास में ही लेटा हूँ, ठीक है? सो जाइए। देखिए चाचा जी जीवन में कभी भी इस तरह की चीज हो तो हमें तीन काम करने चाहिए। नंबर एक गहरी सांस लेनी चाहिए, नंबर दो ईश्वर का नाम लेना चाहिए, नंबर तीन सो जाना चाहिए। आप भी सो जाइए आराम से। चलो चलो गुड नाइट। जल तो जलाल भला कटाल, जल तो जलाल तो आई 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 भला कटाल। चाचा जी आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी? अरे मैं ही बोल रहा हूँ बबू चक। आप नींद में बोलते हैं? अरे मैं नींद में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए जालतू जलालतू आई भला को टालतू ऐसा बोल रहा हूँ। हमारे बच्चों में कहते हैं ऐसा बोलने से भूत और पिशाच दूर हो जाते हैं। अच्छा तो आप ये जो बोल रहे हैं वो आप मन में बोल सकते हैं? आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। मन में बोलूंगा। सो जा। थैंक यू। डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा, आपको नींद कैसे आएगी? अरे लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आप आंखें बंद कीजिए और लेट जाइए। नहीं
मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही सब दिखता है। ठीक है, तो आंखें खुली रख के सो जाइए। मेरा मतलब है, ईश्वर का नाम लीजिए और सोने की ट्राई कीजिए, नींद आ जाएगी। सो जाइए, सो जाइए। धमाल धमाल कर दी है। लोचो, खमणी, खमण, ये क्या है? ये घारी है जेठालाल। ये ऐसी घारी? अरे एक अलग प्रकार की घारी है। ओ हो, वाह। और खारी भी है जेठालाल। अरे खारी, सूरत की खारी और सूरत की घारी, ये दो आइटम तो इतनी जबरदस्त है महेश भाई कि जितना भी खाओ मन भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही रहो। लेकिन कहना पड़ेगा, आज तो आपने बहुत सारा नाश्ता मंगा लिया। नाश्ता करने वाला अगर दिल से नाश्ता करता है ना, तो नाश्ता कराने वाले को भी मजा आ जाता है। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ ना, तब बस दिल करता है खिलाता ही रहूं, खिलाता ही रहूं। वाह वाह वाह, दोस्त नहीं, दोस्त नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे। बड़ा भाई हो तो ऐसा। चलो जेठालाल, नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। जेठालाल, मुझे तुमसे कंप्लेन है। क्या हुआ? अरे तुम जब भी सूरत आते हो अकेले आते हो। अरे कभी बापूजी, दया भाभी, टप्पू को भी साथ में लेके आओ। नहीं क्या महेश भाई, की पिछली 3-4 बार जब भी आना हुआ तो दुकान के काम से अचानक आना हो। हाँ, लेकिन अब की बार 2-3 दिन की छुट्टी लेके आओ। यहाँ से जाएंगे सापुतारा, मजा करेंगे। हाँ ना, जरूर जरूर जरूर। लेकिन उससे पहले आपको रश्मि भाभी के और कविश के साथ मुंबई आना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया आपका मुंबई आए हुए हैं? पक्का पक्का, हम लोग मुंबई आएंगे। जेठालाल, दया भाभी, बापू जी, टप्पू सब कैसे हैं? सब एकदम मजे में, फर्स्ट क्लास। गया अभी अहमदाबाद गई हुई है, उसको माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने बोला जा कोई बात नहीं, थोड़े दिन माँ के साथ रह के आ। और टप्पू कॉलेज की कुछ पढ़ाई की टूर पे बेंगलोर गया हुआ है। और बापूजी? बापूजी बस मजे में घर पे। और अच्छा याद आया, ये मीटिंग में जाने से पहले बापूजी को फोन करके उनके आशीर्वाद ले लेता हूँ, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सफलता की असली चाबी है। हाँ तो जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराजे। पोपट, अरे उठ जा भाई, उठ जा, कब की सुबह हो गई, उठ जा, कितना सोएगा? सोने दीजिए ना चाचा जी, बहुत नींद आ रही है, आंखें खुल नहीं रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। अरे उठ जा भाई, उठ जा। हेलो, हाँ सुप्रभात बापूजी। अरे जेठे तू, सुप्रभात, कैसे है तू? बस एकदम मजे में बापूजी, आप कैसे हैं? कल रात को आप अकेले थे घर में, तो ठीक से नींद आई थी ना बापूजी? क्या करूं, जेठिया को कल रात की बात बता दूं? नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े काम से गया है सूरत, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके काम में कोई बाधा पड़े। हेलो बापूजी। हाँ हाँ जेठिया, अच्छे से नींद आ गई थी। अच्छा अच्छा,
अच्छा बाबूजी, खास तो मैंने अभी आपको इसलिए फोन किया कि वो मीटिंग में जाने से पहले मैं आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे जेठिया, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, फतेह कर। थैंक यू बापू जी। अच्छा बापू जी, वो आज अगर मीटिंग अच्छी गई और सब कुछ तय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा बापू जी। हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके बापू जी। किसका फोन है चाचा जी? क्या हुआ बापू जी? कुछ नहीं। नहीं, आपने कुछ कौन है? वो बालकनी का दरवाजा खुला रह गया था ना, तो एक पोपट अंदर आ गया, तो उसको भगाने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे वाह पोपट! अरे पोपट बोला, कबूतर, कबूतर आ गया। क्या बापूजी, आप कबूतर को पोपट कह रहे? लगता है कल रात को ठीक से नींद हुई नहीं है। अरे नहीं नहीं, हुई है, हुई है, नींद ठीक से हुई है। तू जिस काम के लिए वहाँ गया है उस पर ध्यान दे। हा? अभी फोन रखता हूँ। जय जिनेन्द्र। ओके बापू जी, ओके, जय जिनेन्द्र। अरे जेठालाल, नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। जेठिया, मैं तुझे बता नहीं सकता यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है। अब अब्दुल, अरे डब्बा उठाने के चक्कर में तुम मत गिर जाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे इतने सारे गुलाब जामुन? हाँ, नई कंपनी का सैंपल है ये, सोचा सबके घर पे दे आऊं। अच्छा। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंजलि भाभी, आपके लिए ये गुलाब जामुन। थैंक यू। लीजिए बबीता जी, आपके लिए भी। अब्दुल भाई, मैं आपसे बाद में लूं प्लीज। एक्चुअली मैं सर अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ और आई गेट ऑफिस जा रहा है इसलिए। हाँ चलो चलो, आदबाराम का सुविचार पढ़ लेते और फिर चलते। ये क्या, आदबाराम ने अभी तक सुविचार नहीं लिखा? कमाल है, भिड़े भाई को सुविचार लिखने में इतना लेट कभी नहीं होता है। हाँ एक्चुअली। हाँ, ये आज हमारे गोकुल धाम के सेक्रेटरी साहब को क्या हो गया है? अरे क्या मालूम, वो अभी आदबाराम को ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये आदबाराम है किधर? लो आ गए आदबाराम। अरे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अरे आदबाराम, तुम्हारा 100 साल का उम्र है, तुम 100 साल जियोगे। थैंक यू। वो तो मुझे पता है यार, क्या है मेरी जीवन शैली डिसिप्लिन वाली है ना, इसलिए मैं 100 साल तो जीऊंगा ही। अब भिड़े भाई, अय्यर का मतलब ये है कि हम सब लोग आपको अभी भी याद कर रहे थे, इसलिए आप 100 साल जियोगे। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन क्यों याद कर रहे थे? वो आप आज सुविचार लिखने में लेट हो गए ना, इसके लिए। हाँ वो रह गया एक्चुअली। क्या हुआ कि कल रात देर से सोया ना, नींद ही नहीं आई, इसलिए फिर देर से उठा, इसलिए रह गया। अरे क्यों आदाराम, रात को जाकर सोसाइटी का हिसाब कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट के रिजल्ट का टेंशन था तुमको? नहीं नहीं अय्यर, इनमें से कोई कारण नहीं है। एक्चुअली कल रात में चाचा जी की वजह से नहीं सो पाए। चाचा जी? चाचा जी की वजह से मतलब क्यों, उनको क्या हो गया? कल रात को सोसाइटी में एक अजीब घटना घटी। क्या हो गया? मैं कल रात को सो रहा था, तकरीबन 2:30 बजे की बात है, मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया तो चाचा जी का फोन था। मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी, वो फ्लैट तो कब से बंद है। अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। बिरू, माधवी भाभी, तुसी भी की टेंशन क्यों है? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहनलाल के घर में किसी को देखा। देखा। आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं हो। ओपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा, और उसके बाद पूरी रात पोपटलाल वहाँ पे सोया है, और टेंशन में मुझे भी नींद नहीं आई। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे तो लगता है चाचा जी को जरूर कुछ भ्रम हुआ लगता है। बोला मैंने 100% नाइटमेयर। क्या तबीयत खराब हो और दिमाग में स्ट्रेस हो ना, तो फिर ऐसे आवाज होते रहते हैं, मतलब ऐसा नाइटमेयर होता रहता है। ओए यारो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह, तेरे सब ठीक है? हां सब ठीक है। एक्चुअली इनको मैं कल रात वाली बात बता रहा था। लेकिन कल रात के बाद चाचा जी ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उनकी चिंता हो रही है मुझे। चलिए ना, हम सब लोग जाके एक बार चाचा जी को मिल के आते, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ एक्चुअली मैं वही जा रहा था उनको देखने के लिए। तो चलो यारो, सब एक साथ चलते हैं और पोपू को भी देख लेते हैं, कहीं चाचा जी की संगत में डर तो नहीं गया। चला चला चला। भिड़े भाई, ये गुलाब जामुन के डब्बे मैं दुकान पर रख कर आता हूँ, बाद में सबको दे दूंगा। एक मिनट,
मिनट अब्दुल भाई, ये रख लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य चाचा जी के घर जा रहे हैं उन्हें ये समझाने के लिए कि मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ भी नहीं है, और चाचा जी सभी को ये समझाना चाहते हैं कि वहां कुछ ना कुछ जरूर है, कोई बुरी शक्ति है या भूत है। अब देखना यह है कि कौन किसे समझाने में कामयाब होता है, क्या चाचा जी इन्हें समझा पाते हैं या ये लोग चाचा जी का डर भगा पाते हैं या ये खुद डर जाते हैं। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। चाचा जी सोडी है, खोलता हूँ। तुम और चाचा जी कल रात अच्छे से सोए ना? अरे नहीं भाई, ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, पूरी रात डरते रहे। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अब कैसे हैं आप? अब चाचा जी, हमें भिड़े भाई और सोडी भाई ने कहा कि कल रात को आपको कुछ भ्रम हुआ था और आप डर गए थे। ले झिंडे मास्टर, सोडी सुबह सुबह झिंडो ने पीट दिया। अरे नहीं नहीं चाचा जी, झिंडो ने नहीं पीटा, वो तो बात करते हुए बात निकली इसलिए बता दिया। हाँ, और वैसे भी ऐसा भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। अरे अरे वो मेरा भ्रम नहीं था। मतलब? सच ये है पपिता बेटा, अंजलि बेटा, मैंने अपनी आंखों से मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती की रोशनी देखी, एक लाल साड़ी भी देखी और वहाँ पे खौफनाक साया भी था, और वो खौफनाक साया आ रहा था जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा इस सब। पपिता जी, अंजलि भाभी, आप लोग खामखा क्यों डर रहे हो? हम दोनों जाके देख के आए वहाँ पे, भाई मैं भी तो था। हाँ मतलब हम तीनों गए थे वहाँ पे, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। मत मानो मेरी बात, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, मत मानो मेरी बात। मैं तो बकवास कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना मैं, सटी आ गया हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा बात नहीं है। आदरम, हमको चाचा जी की तसल्ली के लिए मोहनलाल के घर पर जाकर देखना ही चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। चलो मोहनलाल के घर पर चलते हैं। करेक्ट पिडू, फ्लैट की चाबी किधर है? अभी फ्लैट को खोल के अंदर से चेक कर लेते हैं। हाँ बराबर है, तुम लोग फ्लैट खोलो और अंदर जाके देखो, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट खोल के दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है, वो चाबी वो कन्याकुमारी के पास है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में? अरे मोहनलाल इधर मुंबई में रहता है और चाबी कन्याकुमारी में रखता है। नहीं 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 अय्यर, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी। वो मोहनलाल की शायद से सेक्रेटरी है, चाबी उसके पास है इतना ही पता है। ओके, लेकिन मोहनलाल किधर है? पता नहीं कहाँ है वो, मतलब भारत में है कि विदेश में, वो भी नहीं पता। बस चाबी कन्याकुमारी के पास है इतना ही पता है। नाम तो बहुत अच्छा है बेटे, पता लगा ना, कन्याकुमारी अपने नाम जैसी ही है। मतलब कन्याकुमारी कुमारी कन्या है। अरे यहाँ डर के मारे मेरी हालत पतली हो रही है और तुझे कुमारी कन्या की पड़ी है। सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं तो सिर्फ पोपटलाल। फिर फोन लगा उस कुमारी कन्या को। अरे कन्याकुमारी, अरे यार नाम को छोड़, उसको फोन लगा और चाबी मंगा। लेकिन क्या बोल के चाबी मांगू अभी उसे, वो तो नहीं बोल सकते ना कि कल रात हमने क्या देखा वहाँ पे। अरे क्यों नहीं बोल सकते भाई? अरे क्या बोलूँ उसे, हम दोनों ने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। उसको क्या बोलूँ मैं, चाचा जी को भ्रम हुआ है और उसको भी डरा हूँ। ए बिल्ली मास्टर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। बराबर है, नहीं नहीं हुआ, लेकिन चाचा जी कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका एग्जैक्टली पता लगाए बगैर मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता ना। भिड़े भाई बोलो ना, बारिश का मौसम है, सिलेंडर का प्रॉब्लम है,
चेक करना पड़ेगा। हाँ ये बोल सकते हैं। हाँ सीलन के लिए सही में चाबी की जरूरत पड़ सकती है। बराबर फोन लगा फोन। हेलो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ओहो भिड़े जी बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं यहाँ पे। क्या भिड़े जी आप तो हमें कभी याद ही नहीं करते हैं। है? नहीं तो अभी आज याद किया ना आपको। आय हाय हाय खुश किस्मती है हमारी। फरमाइए क्या मदद करें आपकी? वो दरअसल आपसे एक काम था। अरे एक क्या 100 काम बताइए अभी करवा देते हैं। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो मटका की मोहनलाल जी का फ्लैट है ना तो वो फ्लैट की चाबी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ उसकी चाबी मेरे पास ही है। हाँ तो वो चाबी मिल सकती है? आपको चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी जी ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फ्लैट की चाबी क्यों चाहिए? वो थोड़ा चेक करना था। क्या चेक करना था? नहीं चेक मतलब क्या है अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना तो बस चेक करना था कि फ्लैट में कोई लीकेज विकेज तो नहीं है। क्या है मोहनलाल जी का फ्लैट टेरेस फ्लैट है ना और आजकल टेरेस फ्लैट में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो अभी आप चाबी भिजवा सकती है? जी नहीं। तो कोई बात नहीं मैं किसी को भेजकर चाबी ले लूंगा आपसे। नहीं नहीं भिजवाने को तो मैं ही भिजवा देती लेकिन क्या है ना मैं मुंबई में ही नहीं हूँ अभी। ओह तो फिर कैसे करेंगे? देखिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मोहनलाल जी फ्लैट बेच ही रहे हैं। ओ अच्छा मोहनलाल जी वो फ्लैट बेचने वाले हैं? जी हाँ इसीलिए इसकी एक चाबी ब्रोकर के पास है। वो ब्रोकर है ना विक्की उसके पास। विक्की ब्रोकर? हाँ हाँ विक्की मैं जानता हूँ उसे। मैं उससे चाबी कलेक्ट कर लूंगा। जी ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू। सुनिए। हाँ जी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। कहा ना ऑलवेज वेलकम। हाँ हाँ ओके 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 बाय। क्या हुआ क्या कहा? वो मुंबई में है ही नहीं चाचा जी वो आउट ऑफ मुंबई गई हुए। लेकिन उसने फ्लैट की चाबी एक ब्रोकर को देके रखी है विक्की नाम है उसका मैं जानता हूँ उसे। भिड़े भाई विक्की को तो मैं भी जानता हूँ अपनी सोसाइटी में फ्लैट दिखाने के लिए आता जाता रहता है। हाँ नंबर है तेरे पास उसका? हाँ हाँ है ना फोन लगा। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलवो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का। अरे भिड़े सरकार आपकी आवाज तो पूरे पाउडर गली वर्ल्ड फेमस है बच्चों बच्चों में जानते है वो। हाँ थैंक यू दरअसल तुमसे एक काम था मेरी अभी अभी कन्याकुमारी जी से बात हुई वो हमारे सोसाइटी में मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट है ना उनके सेक्रेटरी तो उसने बताया कि वो फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास है। हाँ चाबी मेरे पास है नहीं होगी तो आज आवेगी मेरे सरकार आपके लिए तो कुछ भी। हाँ तो दरअसल वो फ्लैट की चाबी चाहिए थी। लेकिन उनको तो फ्लैट बेच हुआ है वो आपको चाबी किस लिए चाहिए? नहीं मतलब वो बारिश का मौसम है ना तो फ्लैट खोल के चेक करने है कहीं लीकेज है कि नहीं है और अगर नहीं है तो मैं वापस दे दूंगा चाबी। ओके ओके पर आपको चाबी तो परसों मिल पाएगी। नहीं नहीं परसों नहीं मुझे आज ही चाहिए चाबी। अरे अभी तो मैं मथुरा में आऊंगा परसों आऊंगा। ओहो मतलब तुम परसों आ रहे हो? हाँ आपको चाबी तभी मिल पाएगी। हाँ ठीक है लेकिन जैसे ही मुंबई में आओगे चाबी दे देना। हाँ पक्का पक्का पक्का। ठीक है मैं वेट करता हूँ फिर। हाँ ओके अब तो फ्लैट परसों ही खुलेगा। वो यहाँ पे है ही नहीं चाचा जी वो गया हुआ है मथुरा वो परसों आएगा। मतलब फ्लैट में जो डरावनी चीज है वो और दो रात वही रहेगी? हमें आज के आज फ्लैट खोल के देखना होगा। ओ चाचा जी की बात एकदम करेक्ट है वो इतना वेट करने की क्या जरूरत है? मैं अभी के अभी जाता हूँ ताला तोड़ देता हूँ और चेक कर लेते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। अरे ये पुलिस पुलिस आ जा रहे हो भाई ताला तोड़ने। अरे भाई पूरी सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। नियम और खास करके जो फ्लैट खाली होता है उसका तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। करेक्ट। एक तो पता नहीं फ्लैट का मालिक कौन से देश में ऐसे उसके एब्सेंस में उसके घर का ताला तोड़ना अच्छा लगता है। कुछ नहीं होगा यार दूसरा ताला लगवा देंगे। चुड़ी भाई यूं ताला नहीं तोड़ सकते लीगली हम पे केस हो सकता है। हाँ, हाँ, और नहीं तो क्या मोहनलाल ने अगर कंप्लेंट कर दी तो पुलिस एज ए सेक्रेटरी मुझे पकड़ के लेके जाएगी।
और बात दूसरे ताले की है ही नहीं छोड़ी। सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें ताला तोड़ने की परमिशन तो नहीं दे सकता भाई। नियम ने कुछ नहीं छोड़ पाऊंगी। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? अरे डर के मारे मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ बिल्ली मास्टर। चाचा जी, तो तुझे छोटी सी बात लग रही है? चाचा जी आप समझ ही नहीं रहे। सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं तुम लोगों का मतलब। चाचा जी आप रात को अकेले थे इसलिए आपको हेलुसिनेशन हुआ होगा, इसलिए आप डर गए। हेलोजन नहीं हो रहा है। अरे तुम सब लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अंजलि बेटा महसूस कर, तारक को आज बहुत काम था इसलिए ऑफिस जल्दी चले गए। वो यहाँ होता तो अच्छा होता, पूरी सोसाइटी में सबसे समझदार वही है। अंजलि बेटा उसे बोलना कि मुझे आके मिले। हाँ हाँ भिड़े भाई। देखिए मुझे लगता है कि ये मैटर जरा सीरियस है तो हमें जेठा जी को फोन करके यहाँ पे बुला लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अब वो सूरत ही गया चाचा जी, चार घंटे में आ जाएगा। मैं करता हूँ। अरे जेठा वहाँ काम से गया है, बहुत जरूरी मीटिंग है उसकी वहाँ, उसे पता चलेगा तो वो भाग कर यहाँ आ जाएगा, उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। जेठा को फोन नहीं करना है। खबरदार खबरदार, जो किसी ने भी जेठा को फोन किया है तो उसे कोई फोन नहीं करेगा, और उसका फोन है तो कल रात वाली बात उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन चाचा जी, अरे किसी को नहीं बताना है, ये लोग ने झटके झिंडोरा पीट दिया, सबको क्यों बताना है? हाँ चाचा जी आप शांत रहिए, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अंजलि भाभी बताने लायक कुछ हो तो बताए ना, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नहीं मेरा मतलब है चाचा जी वहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग को पूरा यकीन है, अभी आप भी मान जाइए। नहीं मानूंगा। अरे आयको तो सही। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी देखिए अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है, अभी आप आराम कीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाची ये काम करता हूँ, आज मैं गैरेज नहीं जाता हूँ, आपके साथ यहीं रुकता हूँ। नहीं भाई मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग, वैसे भी मेरी बात तो तुम लोग मान ही नहीं रहे हो ना। नहीं नहीं वैसा बात नहीं है चाचा जी। बस तुम सब लोग जाओ जाओ, वैसे भी अभी मेरा दोस्त कांति यहाँ आ रहा है, तुम लोग जाओ। वो तो कांति आने तक शांति रखना। हाँ सुनो सब लोग, मेरी बात को भ्रम मत समझना, मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। जाओ सब लोग चला चला। चाचा जी अरे बोला नहीं भाई, जाओ तुम लोग सब जाओ। सॉरी चाचा जी वो। अरे तुझे क्या है भाई? वो जैकेट और वो टॉर्च रह गई थी, वो ले जा ले जा ले जा। पेपर चाहिए ले 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 जा। नहीं 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 पेपर रखिए। ओ भाई भिड़े है, ओ इतनी चीजें मेरे हाथ में है भाई, कुछ तो पकड़ इधर। किसने बोला था वो ये सब, ये रेनकोट रेनकोट लेने के लिए चाहता है ना तुम्हारे पास? संभल के। अरे अभी चलो आ गए तो आ जाओ। आजा आजा बाबू। आ गए आ गए। हे भगवान बेचारे चाचा जी, मुझे तो लगता है अकेले थे ना इसलिए उनको मेंटल शॉक लग गया है। ये चाचा जी का ऐसे ही हो गया आजकल, वो कुछ दिन पहले नहीं वो जेठाल का सिनेरियो का आइलैंड वाला सपना देख लिया था उन्होंने और बवाल खड़ा कर दिया था, और आज ये भ्रम हो गया उनको। नहीं मेरे को तो लगता है कि शाम तक चाचा जी आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। Hope so. नहीं 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 यार मुझे लगता है आज रात को भी चाचा जी के साथ किसी को रुकना पड़ेगा। ओ, मैं चाचा जी के साथ रुक जाता पर तूने देखा ना रात में रोशन डालिंग कितना डरती है। माधवी भी तो डरती है ना सोड़ी। इतना आप लोग चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं चाचा जी के साथ रुक जाऊंगा। अरे वाह थैंक यू। अरे एक मिनट एक प्रॉब्लम है।
वो शाम को मुझे प्रेस में जाना है, आते आते रात को लेट हो सकता है। ऊपर भाई कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे ना तब तक मैं चाचा जी के पास रुक जाऊंगा। ओके लेट्स वेट टिल इवनिंग, शाम को डिसाइड करते हैं। अभी तो मेरे को ऑफिस जाने के लिए और बबीता को उसकी फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ यार मुझे भी गैरेज जाना है। बबीता जी अर्पणा आप लोगों को छोड़ते हुए मैं गैरेज निकल जाता हूँ। बेटो चाचा जी का ध्यान रखना, कोई भी गल ऊपर थल्ले हो जाए ना तो मैं इमीडिएटली फोन कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो भाई मैं भी घर जा रहा हूं, मैं भी काम खत्म करके वापस आती हूं। भीड़े भाई कुछ काम हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस घाव का कोई मरहम नहीं होता, बढ़ता जाता है ये कम नहीं होता, डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता, इसलिए डर से मत डरो, हमेशा हंसते रहो। तुम कुछ बोलो उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने खा लिया है। क्या खा लिया? अरे वही अंकुरित मूंग का सलाद जो तुमने भेजा था। टिफिन खोलते अंकुरित मूंग का सलाद मुझे दिखा, मेरे नेत्र विस्फारित हो गए और कुंठित मन से मैंने खा लिया। मैंने विस्फारित आहार आपने ग्रहण किया कि नहीं वो पूछने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया? चाचा जी के लिए फोन किया है। चाचा जी के लिए क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। चाचा जी भाई जिनसे सारी दुनिया डरती है उन्हें किसने डरा दिया भाई? पता है कल रात से चाचा जी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। अजीब घटनाएं हो रही है, क्या हो रहा है? चाचा जी कह रहे थे सचमुच ये तो बड़ी अजीब बात है ना अंजलि। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, चाचा जी बहुत घबराए हुए हैं और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे थे क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी में चाचा जी की डर वाली बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अच्छा। चाचा जी ने कहा कि मैं तो उसको बुलाओ, वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेगा। कह रहे थे कि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा सुलझा हुआ दिमाग मेरे स्वामी का है। मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से आते ही सबसे पहले उनसे मिल लूंगा और तसल्ली से उनकी बात सुनता हूँ कि आखिर बात क्या है। हाँ। और क्या है कि अंजलि अभी वो घर पे अकेले है ना, तो हमें थोड़ा उनका अतिरिक्त ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग भी अभी चाचा जी के वहाँ से ही आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनके दोस्त है ना कांति अंकल, वो उनसे मिलने आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा, मैं काम करता हूँ, ऑफिस से जल्दी आता हूँ और उनसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बाय, सी यू। क्या हुआ चाचा जी को? भेड़ो को पूछता हूँ। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे चाचा जी के बारे में क्या बात सुन रहा हूँ, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे टेंशन की कोई बात नहीं मेहता साहब, दरअसल कल बहुत तूफानी रात थी, बहुत बारिश हो रही थी और चाचा जी भी अकेले थे इसलिए थोड़े डर गए। आप जरा चाचा जी को प्लीज समझाइए ना कि डरने जैसा कुछ नहीं है। नहीं मैं यही सोच रहा हूँ भैया कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ और सबसे पहले उनसे मिलता हूँ और मिलकर बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे तू क्या हंस रहा है इतना? अब तू चिंता मत कर चंपक, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो है, तू आ गया, अब डर कैसा? और बता चंपक, गांव की याद आती है कि नहीं तुझे? हाँ, गांव की तो बहुत याद आती है, हमारे गांव के खेत, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रास्ते, गांव का चौराहा। अरे वो सब ठीक है चंपक, तुझे अपने गांव का वो पीपल का पेड़ याद है कि नहीं? उससे सब लोग कितना डरते थे। नहीं, वो याद नहीं है। ऐसे किसे नहीं याद चंपक? वो पीपल का पेड़ रात को कितना डरावना लगता था, लोग कहते थे उसमें एक डायन रहती है। रात को कोई भी जब अकेला निकलता था तो सबसे पहले उसकी हंसी की आवाज आती थी। और फिर उसकी खौफनाक आवाज आती थी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा तू। और फिर वो डायन आते जाते लोगों को झपट देती थी। ठीक है चंपक, तू डर मत, हम डायन की बात नहीं करते हैं बस। अच्छा
वो खंडर हवेली का पिशाच याद है तुझे? आस पास के 25 गांव तक उसकी चर्चा होती थी और हवेली के पास से गुजरने वाले को रात को उसकी आवाज सुनाई देती थी। फिर वो आते जाते इंसान को कंधे से पकड़ लेता था। दोस्तों मैं सोचता हूँ डर की तुलना किसी च्युइंगम से की जाए। च्युइंगम एक बार चिपक जाती है ना तो निकलती नहीं, ठीक वैसे डर तो च्युइंगम अगर चिपक गई तो फिर निकलती नहीं। चाचा जी के साथ भी डर की ऐसी ही च्युइंगम एक चिपक गई है जो निकलने का नाम नहीं ले रही है। डर बोल लाल मटका सिंह के फ्लैट में न जाने भीतर क्या इस चीज का डर। और इस डर को भगाने के लिए अब आ गए चाचा जी के दोस्त जो डर को भगाने की बजाय डर बढ़ा रहे हैं। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सवाल ये है कि चाचा जी क्या अपने डर से निजात पाते हैं या फिर मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट का रहस्य और गहरा जाता है और कुछ और नया रंग दिखाता है। भाई क्या होता है आगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। ठीक है ठीक है, डायन पिशाच को छोड़ कुछ और बातें करते हैं। क्या बात करे चंपक, भट्टे के भूत की बात करे? याद है चंपक अपने गांव में ईंटों का एक बंद भट्टा था? नहीं, लोग कहते थे उसमें भूत रहता था। भट्टे के पास से कोई भी गुजरता था तो सबसे पहले उसको हवा की आवाज सुनाई देती थी। अंदर से लकड़ियों की आवाज आती थी और फिर भूत की आवाज। अरे चंपक मैं तुझे हिम्मत देने आया हूँ। अरे ऐसे देता है कोई हिम्मत? मेरे घर में बेटा नहीं है, बहू नहीं है, टप्पू नहीं है और तू ऐसे भूत पिशाच डायन सब लेकर शुरू हो गया। अरे दोस्त डूब रहा हो तो हाथ देते, लात नहीं मारते। अरे चंपक कैसी बात कर रहा है, मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। अरे ऐसे बचाता है कोई कंधी? कब से डर रहा है तू? तू चला जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? तू एक काम कर कंधी, तू भाई आज रात यहीं रुक जा। देख मैं रात को रुक तो नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे लेकिन तू चिंता मत कर चंपक, मैं तुझे बुरी शक्तियां भगाने का सटीक उपाय देके जाऊंगा। क्या क्या उपाय? बोल बोल बोल। बताता हूँ। याद है चंपक तुझे अपने गांव की वो 104 साल की सयानी मौसी जो सबको भूत भगाने का फॉर्मूला बताती थी? कौन सा? धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा? हाँ, धतूरे का पौधा के साथ लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ। उससे क्या होगा? अरे क्या होगा क्या चंपक, उससे बुरी शक्तियां घर से दूर भाग जाएगी। हाँ, तू धतूरे का पौधा लेकर आ और रात को लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ कर दे, फिर देख भूत पिशाच डायन सब दुम दबाकर भाग जाएंगे। पक्का? अरे एकदम पक्का, इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। हौसला रख, अब तो रात को डरेगा नहीं ना? नहीं डरूंगा। शाबाश चंपक शाबाश, बचाव का शेर है तू। अब वो बुरी शक्तियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। कांति थैंक यू, ये उपाय बताने के लिए थैंक यू। हाँ अब मैं नहीं रहूंगा। गेम ओवर। अरे अब्दुल क्या सुन रहा हूँ मैं, अंजलि का फोन आया था। चाचा जी क्या क्या हुआ क्या? क्या बताऊँ मेहता साहब, चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। अच्छा आज पोपट भाई चाचा जी के साथ में रुकने वाले हैं, जब तक वो प्रेस से आएंगे
तब तक मैं रुकने वाला हूँ। अभी मैं चाचा जी के पास ही जा रहा हूँ। अब्दुल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चाचा जी से बात करते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। हाँ, ये मैं रख के आता हूँ एक सेकंड। जी जी जी। आइए 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 मेरे साथ। चाचा जी, धुआं। चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? मेहता साहब, मैं अब्दुल। अच्छा तुम हो? हाँ। चाचा जी कहाँ है यार? क्या मालूम, इतना धुआं। मैं कमरे में देखता हूँ जरा। चाचा जी मिला नहीं है? नहीं है, नहीं। अरे कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं है? चलो चलो देखते। हाँ आइए। चाचा जी, हमारी रक्षा करता है। भूत प्रेत? और चाचा जी पूरे घर में धुआं धुआं क्यों हो रहा है? वो मैंने लौंग और कपूर को जलाकर साथ में लोबान किया। लेकिन क्यों? इससे बुरी शक्तियां घर से दूर रहती। चाचा जी ये धतूरे का पौधा और ये कपूर और लौंग का लोबान, ये सब क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? देख मैं तो, पूरी सोसाइटी में कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है पूरी सोसाइटी में एक तू ही समझदार है, तू मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ चाचा जी मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना। बताए आप। मैं तो मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में किसी बुरी शक्ति का साया है जो मोहन लाल के घर में डेरा डाल चुकी है। चाचा जी ये बुरी शक्ति, बुरा साया, भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास है। आप भी किन बातों में यकीन कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ चाचा जी। अरे कल रात को मैंने जो देखा वो तुमने देखा होता ना तो तू अभी ऐसा नहीं बोलता। पर चाचा जी वो मोमबत्ती, वो रोशनी, वो साड़ी, वो साया, वो सब बहुत डरावना था। महसूस चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, उनका डर भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चाचा जी आपको पूरा यकीन है कि आपके लौंग और कपूर के इस लोबान के धुएं को करने से और ये धतूरे के पौधे से बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है? हाँ। तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या चाचा जी देखिए क्या है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो तो मोहनलाल के घर में है ना। हाँ। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये जो लौंग और कपूर का लोबान है ये और ये धतूरे का पौधा ये लेके जाते हैं और मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट के आगे रख देते हैं, बुरी शक्तियां वहां से भाग जाएंगी। वाह वाह बेटा, सब बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जल्दी जाओ जाओ। नहीं हम दोनों ही नहीं जाएंगे चाचा जी, आप भी साथ चलेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जी? देखिए आप चलिए, मैं आपके साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा चाचा जी। हाँ चलिए चलिए। देख मैं तो जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगा। देखिए चाचा जी जिद आप कर रहे हैं, माफ कीजिएगा जिद आप कर रहे हैं, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर रहे वो बुरी शक्ति मोहनलाल के घर में। देख मैं तू समझने की कोशिश कर, मुझे डर लग रहा है। अरे चाचा जी आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। अरे आपके पास ये धतूरे का पौधा है, आप ही ने तो बताया, और हमारे पास ये लौंग और कपूर का लोबान है चाचा जी, तो डरना तो उन बुरी शक्तियों को चाहिए, हम क्यों डरे? चलिए चाचा जी चलिए। चल चलिए।
एक मिनट। हेलो, अरे भाई शर्मा, वो फाइल बॉस के कैबिन में ही रखी हुई, जाके देखो तो सही यार। हाँ बॉस के कैबिन में ही है। हाँ 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 ओके। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं चाचा जी, ऑफिस वाले खून पी रहे थे मेरा। मुझे तो लगता है ये जो कपूर और लौंग का आपका लोबान है ना, ये और ये धतूरे का पौधा, ये मुझे मेरे ऑफिस के बाहर भी रख देना चाहिए। क्यों? अरे मेरा बॉस कोई भूत प्रेत से कम है क्या? चाचा जी व्यंग कर रहा हूँ भाई। चलो 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 चलो, मुझे नहीं चलाइए। बिल्कुल मत डरिए, ये रख देंगे, कुछ नहीं होगा। आइए आइए, चलिए चाचा जी, कुछ नहीं होगा, चलिए डरिए मत, आइए आइए। अरे आइए चाचा जी, अब्दुल आइए। डर लग रहा है। नहीं अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है चाचा जी, मैं आपके साथ हूँ ना, और आपने खुद कहा ये धतूरे का पौधा और ये लोबान रख देंगे तो फिर बुरी शक्तियाँ भाग जाएंगी। आइए चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ चाचा जी? डरिए मत, ये मेरे फोन का रिंगटोन है। सॉरी सॉरी, चेंज करवा लेना बाद में। हमें हेलो अभी, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ भाई? उस सामान की डिलीवरी आई दुकान पे, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ चाचा जी के साथ। ठीक है, ये ले। सामान सामान क्या है? मुझे ले, मुझे ले। हाँ लीजिए लीजिए, आइए चाचा जी, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। आइए आइए, कुछ नहीं होगा चाचा जी। आइए 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 चाचा जी। अरे कोई बला ही नहीं चाचा जी। आइए डरिए मत चाचा जी, मैं हूँ ना। और अब डरने की क्या जरूरत है, हमारे पास धतूरे का पौधा है, ये लोबान है चाचा जी, रख देते हैं, अभी कुछ नहीं होगा। आइए आइए चाचा जी। लाइट भी चालू बंद हो रही है, तो इसमें डरने की क्या बात है चाचा जी, बारिश का मौसम है, कनेक्शन लूज हो गया होगा इसलिए फ्लिकर कर रही है। ये देखिए मैं रखता हूँ पौधा, अभी कुछ नहीं होगा। आइए आइए आइए, ये देखिए, बिल्कुल मत डरिए, आप भी रख दीजिए। आइए आइए आइए, फोन है चाचा जी, मेरा फोन है, ये ऑफिस वाले। हेलो, हाँ हाँ, अरे यार शर्मा बोला ना, फाइल मैंने रख दी है। अरे कैबिन में मतलब टेबल पे, फाइल ढूंढो तो सही जरा। हाँ लाल रंग की फाइल है, उसमें सारे पेपर्स है। बाद में फोन करता हूँ। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? क्या पायल भी रख रही है लोबान के साथ? अंदर कैसे रख सकते हैं चाचा जी, ताला लगा हुआ है। अंदर से पायल की आवाज आ रही है। पायल की आवाज आ रही है? क्या बात कर रहे हैं चाचा जी। एक औरत गाना गा रही है। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हो, औरत गाना गा रही है, मैं भी तो यही था, यही खड़ा हूँ, कोई औरत गाना नहीं गा रही है। महसूस मुझे लग रहा है ये वही औरत है जिसका साया कल रात को मुझे दिखा था। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई आवाज आ ही नहीं सकती, मैं यही खड़ा हूँ चाचा जी। मेरे सुनने में, मैं सुनता हूँ। हाँ सुना, कुछ भी नहीं, अंदर कोई आवाज नहीं आ रही है चाचा जी। हाँ अरे, ऐसा कैसे हो सकता है?
चाचा जी कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा चाचा जी, मैंने बहुत ध्यान से कान लगा के सुना है, कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे चाचा जी, अरे चूहा था, चाचा जी ने। अरे पता नहीं चाचा जी बहुत घबरा गए हैं, मैं उन्हें संभालता हूँ, आप लोग आइए। अरे कल से चाचा जी की पिन वहीं अटकी हुई है, लगता है आज फिर कुछ देख लिया। कल से सुनिए, आ जाओ चाचा जी यहाँ क्यों बैठे हैं चाचा जी आइए, मैं हूँ आइए चाचा जी, मैं हूँ डरिए मत चाचा जी, बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ चाचा जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ ना, आइए। कुछ भी नहीं है चाचा जी, कुछ भी नहीं। क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही भाभी, वो चाचा जी शायद देख लिया इसलिए डर गए। चाचा जी आप मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं है। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना है, जो नहीं सुनना था वो सुन लिया। चाची मैं भी वही था, मैंने कान लगाए लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे सलार खा करके तेरे कान खराब हो गए। देखिए चाचा जी मेरे कान बिल्कुल ठीक है। आपने फिर से वो मोहनलाल के घर में भूत देखा? नहीं, आज सुना। भूत सुना? क्या सुना चाचा जी? अंदर कोई गरम तेल में भजिया तल रहा था। ओ पिड़ो, और तू भी कमाल कर रहा है यार। और गरम तेल में जब भजिया तलते हैं तो छम छम आवाज नहीं होती, वो आवाज ऐसे होती है। नहीं 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 सोड़ी, वो तो तलते वक्त आती है। हाँ। जब हम लोग ऐसे भजिया गरम तेल में डालते हैं ना, उस वक्त छम ऐसी आवाज आती, मतलब ऐसे निकाल के ऐसे गरम तेल में डाल दिया ना, ऐसे। अरे मास्टर, ये डर के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम लोग भजिया कर रहे हो। सॉरी सॉरी, मुझे तो पता लग गया। तारक आप बताइए ना, वहाँ क्या हुआ, चाचा जी ने क्या सुना? हाँ बता दो। देखिए क्या हुआ कि चाचा जी के साथ मैं और अब्दुल गए, वो जो मोहनलाल का फ्लैट जो बंद पड़ा है वहाँ पे, वो अपना लौंग और कपूर का लोबान और वो धतूरे का पौधा रखने के लिए। अच्छा, क्या मेहता साहब आप भी ये अंधश्रद्धा में मानते हैं? यार मैं चाचा जी के साथ गया था, चाचा जी ने कहा कि ये रखने से वहां बुरी शक्तियां जो भी है दूर हो जाएंगी, इसलिए मैं चाचा जी के साथ गया। मेहता साहब पानी पची सूट है। आगे जैसे वहां पहुंचे चाचा जी को अंदर से कुछ आवाज आने लगी। चाची फिर क्या हुआ? कौन सी गाना गा रही थी? क्या वो औरत गाना गा रही थी? मैं दादा आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज?
छम छम, अभी अभी चाचा जी ने मोहनलाल मटका किंग के घर में ऐसी पायल की छम छम सुनी और एक डरावना गीत भी सुना। भाई मेरा तो फोन आ गया, मैं फोन पे था, वापस जाके मैंने सुनने की कोशिश की, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। आपने सुना क्या? सचमुच वहाँ कुछ है या मुझे तो लगता है चाचा जी का भ्रम है, उनका कोई वहम है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहनलाल मटका किंग के घर में आखिर क्या है? कोई रहस्य है, कोई भेद है, कोई राज है या सचमुच कुछ वहम? ये तो कैसे पता चलेगा? लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद, एक वहां पे धतूरे का पौधा रखने के बाद, एक धूप रखने के बाद भी चाचा जी का डर बरकरार है। अब क्या होगा आगे और क्या है उसके भीतर, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता साहब, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? नहीं भाई। कि मतलब? पर मतलब ये सोड़ी कि जिस वक्त चाचा जी को लगा कि ऐसी कोई आवाज आ रही है, उस वक्त ऑफिस से मेरा कोई फोन आ गया था, तो मैं फोन पे बात करने में व्यस्त था। ओ बस, तो फिर हो गया। ऑफिस से फोन आते ही आप तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। अंजलि, तनाव के वक्त आने मत दो प्लीज। फोन क्यों उठाया? बोलिए ना आगे क्या हुआ फिर। हाँ, देखिए क्या हुआ कि जब मैंने चाचा जी को डरा हुआ देखा तो मैंने फोन कट किया और मैं तुरंत उनके पास गया, और जब चाचा जी ने बताया कि अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, तो मैं खुद दरवाजे के पास गया, मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। ओहो, ये तो कल रात जैसी बात हो गई। कल रात को चाचा जी को कुछ दिखाई दिया था, आज रात को चाचा जी को सुनाई दिया। मैंने सुना। हाँ सोड़ी, लेकिन कल रात चाचा जी ने जो देखा वो किसी को नहीं दिखा, और आज जो सुना वो किसी ने नहीं सुना। चाचा जी देखिए, बुरा मत मानिए पर मुझे लगता है कि आपको भ्रम ही हुआ है। हाँ चाचा जी, आपको ना आभास हुआ है। चाचा जी, ये आपका डर है जो ये सब आपको दिखा रहा है और सुना रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मेरा खेलने का मतलब ये है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, मेरे कान बजने लगे हैं। शांत चाचा जी, शांत। चाचा जी प्लीज, आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। देखिए चाचा जी, हम सब सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश करें कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। शांत हो जाइए प्लीज। बैठिए बैठिए, शांति। हाँ चाचा जी, आप अंदर चलिए, शांति से आराम कीजिए। आइए आइए चाचा जी, आइए आइए, अब्दुल लेकर जाएगा आपको। आइए 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 आइए, आराम से आराम। अब्दुल ध्यान से लेकर जाए। मेरे को तो लगता है कि चाचा जी को मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। नहीं, बात तो ठीक है, डॉक्टर हाथी भी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वरना कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट का पता बता देते। बहरहाल उनसे फोन पे पूछ के कल ही लेके जाते। हाँ पर फिलहाल जरा उन्हें आराम करने देते। हाँ वो नासिक के वैद्य का भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, वो दूध में मिलाकर उनको पिला देते हैं तो उनको आराम मिलेगा मस्त। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, वो भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, आयुर्वेदिक चूर्ण है। अच्छा। हाँ, वो लेने के बाद चाचा जी को मस्त तरह की नींद आ जाएगी, पर एक बार चाचा जी सो गए ना तो मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। मैं ना चूर्ण लेकर आती हूँ अभी। ओके। मैं क्या कहती हूँ, चूर्ण देने के बाद भी हमें चाचा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस सिचुएशन में। बरोबर बरोबर। चाचा जी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ यारो, अंजलि भाभी ठीक कह रही है, हम लोग आज की रात चाचा जी के साथ ही रुक जाते हैं। नहीं सोड़ी, सबको रुकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाचा जी के दिमाग से वो भूत वाली बात हटानी है। क्या है, हम सब यहाँ पे रुके ना तो उनको वाकई में लगेगा कि भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। आगल भी ठीक है पिडू। हाँ, और वैसे भी रात को पोपटलाल आने ही वाला है ना। हाँ पोपट भाई जब तक आते हैं तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ, चाचा जी का ख्याल रखूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब्दुल एक काम कर, अभी तू चाचा जी के साथ ही रुक। चाचा जी
मैं अब्दुल। चाचा जी डरिए मत, आप है ना थोड़ा सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं सोना है मुझे, नींद तो आनी चाहिए ना, नींद नहीं आएगी मुझे। मैं चूरण लेकर आई हूँ, फटाफट गरम दूध में मिलाकर लेकर आती हूँ। चूरण असर तो करता है ना। हाँ बिल्कुल, लेकर आई हूँ, चाचा जी को लेकर आती हूँ। अरे माधवी बॉटल का, चाचा जी बॉटल से दूध पीते हैं। अरे चूर्ण की बॉटल का, वो बाद में ले लेंगे ना, ते महत्व से एक आता। हां ठीक, जाइए माधवी भाभी जाइए, मैं भी चलती हूं। हां चलो चलो, शहर नासिक से आती है ना, एक ही बॉटल है। तो जलते जलल तो आई बला कोटल से, 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 जलते जलल तो आई बला कोटल से। चाचा जी कौन है? चाचा जी मैं माधवी। हाँ वो चाचा जी दूध लाई थी आपके लिए। नहीं दूध नहीं मिला, नहीं मिला। चाचा जी थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज, देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए, प्लीज प्लीज लीजिए ना, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप आराम से सो जाइए, हम लोग सब बाहर ही हैं। हाँ मैं लाइट बंद कर देता हूँ। रखेंगे हम लोग यहीं पे हैं, बाहर ही हम लोग। हाँ 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 हाँ। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। हाँ चाचा जी आप अच्छे विचार मन में लाइए। हाँ कुछ नहीं होगा, भगवान है ना साथ में। हाँ कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए अभी आराम से। हाँ हम लोग हैं। हाँ जल्दी जल्दी आइए बल्लभ, जल्दी जल्दी आइए बल्लभ। चाचा जी ने ना मुझे जेठल को फोन नहीं करने दिया, वरना मैं जेठल को कब का फोन करके बुला चुका होता। बस अब जेठा जी जल्दी से वापस आ जाए, एक बार वो आएंगे ना तो चाचा जी का डर भी कम हो जाएगा। चाचा जी दूध पी के सो गए, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, चाचा जी का मैं ख्याल रखूंगा। अब्दुल ओपू के आने तक चाचा जी के साथ ही रुकना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इमीडिएटली मुझे फोन कर। हाँ चलो फोन कर देना कुछ भी हो तो। हाँ 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 चलिए अब्दुल भाई मैं चलती हूँ, अगर कुछ लगे तो फोन कर देना। हाँ जी जी जरूर। आता है ऊपर ड्राइव की तरह हाँ बोल अब्दुल, मैं दो मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोल ना। चाचा जी आज फिर डर गए। अब क्या हुआ, मोहनलाल के घर पे फिर से कुछ देख लिया? नहीं नहीं आज उन्होंने देखा नहीं, आज उन्होंने सुना है। क्या? वो कह रहे थे कि बंद फ्लैट के अंदर से पायल की आवाज आ रही थी। लड़की की आवाज? क्योंकि लड़की का नाम पायल है, वो कैसे पता चला? नहीं नहीं पोपट भाई आप गलत समझ रहे हैं, लड़की की नहीं पैर की पायल की आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा। एक औरत गाना गा रही थी। क्या बात कर रहे? मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। देखो इसका मतलब है कि चाचा जी को आज फिर से भ्रम हुआ है। पोपट भाई उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। पोपट भाई क्या है ना मुझे आज घर जाना बहुत जरूरी है, तो आप कब तक आ जाएंगे? मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। आप आने के बाद मैं चला जाऊंगा, जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पोपट भाई। अरे पोपटलाल पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो,
सर वो दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल लिख रहा था, हो गया तैयार, बस आप चेक कर लीजिए। दीवाने दूल्हे को छोड़ो, एक जबरदस्त न्यूज आई है। अच्छा? जब पेपर में इसकी स्टोरी आएगी ना तो हंगामा हो जाएगा। हाँ, और ये स्टोरी तुम्हें लिखनी है। अच्छा? क्योंकि ये स्टोरी को तुमसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा। हाँ, थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। बताइए किस विषय पर लिखना है? डरावनी दुल्हन। डरावनी दुल्हन? हाँ, डरावनी दुल्हन। पिछले कुछ टाइम से शहर के अलग अलग हिस्सों से इसकी खबर आ रही है। क्या क्या खबरें आ रही हैं? एक दुल्हन थी। ये मतलब? मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुना है शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई थी। कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डाल देती। लड़की की नहीं, पैर के पायल की आवाज आ रही थी। एक औरत गाना गा रही थी। और सुना है वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उनकी भी शादी ना हो। आप एडिटर हैं कि दुश्मन? आप जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप मुझे ऐसे डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल लिखने को कह रही है जो कुंवारों पर अटैक करती है। आपको पता है ये आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे कुंवारे मन को कितना आघात लगेगा? अरे वही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मैं इस खबर के जरिए लोगों को आघाती देना चाहता हूँ। इसलिए तुम आघात में लिखोगे तो आर्टिकल भी ऐसा बनेगा कि लोगों को आघात लगे। नहीं नहीं सर, मैं ये डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल नहीं लिख सकता। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। ये आर्टिकल तुम ही लिखोगे। आज रात से इस केस पर रिसर्च पर लग जाओ, कल मुझे पूरा आर्टिकल तैयार चाहिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मैंने ये दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल रेडी करके रखा है, आप देखिए सर। अरे दीवाने दूल्हे को छोड़ो, तो घर पे जाओ और डरावने दुल्हन वाले आर्टिकल की तैयारी शुरू कर दो। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर पर अकेले रहता हूँ, तो मुझे बहुत डर लगेगा। अरे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार होकर मामूली बात से डरते हो तुम? हाँ, अरे ऐसे ही करोगे तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? हाँ, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूंगा आर्टिकल। That's the spirit, my boy. That's the spirit. कल शाम तक आर्टिकल तैयार कर देना। All the best, पोपटलाल. All the best. Thank you. पोपटलाल, क्या हुआ? सर वो मैं सोच रहा था कि वो रास्ते में वो डरावनी दुल्हन मिल गई तो मैं क्या करूंगा? अरे तो बेस्ट है, वहीं के वहीं इंटरव्यू ले लेना। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। मजाक सोच रहा है। एक औरत गाना गा रही थी, नेता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्या चंपक चाचा की बात सही होगी? उन्होंने डरावनी दुल्हन को तो नहीं देखा होगा। आज उन्होंने पायल की छमछम और वो गाना भी सुना। डरावनी दुल्हन ने मटका किंग मोहनलाल के घर पर डेरा डाल दिया है। नहीं नहीं नहीं, कल भीड़े सोढ़ी माधवी भाभी रोशन भाभी सबने देखा था, किसी को कुछ नहीं दिखा था। आज मेहता साहब को भी कोई आवाज नहीं आई। नहीं नहीं, ये चाचा जी का भ्रम ही है। लेकिन ऐसा ही भ्रम क्यों? अगर भ्रम ही होता तो चाचा जी को पुरुष कुत्ता बिल्ली कुछ भी दिख सकता था, डरावनी दुल्हन ही क्यों दिखी? ये पक्का डरावनी दुल्हन ही है। नहीं नहीं नहीं, आज रात में यहीं रुक जाता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी जाना कैंसल, जान है तो जान है। हाँ पोपट भाई, सब ठीक है, चाचा जी सो गए। पोपट भाई सॉरी, मैं आपको फिर से फोन किया है। क्या है ना, अगर मुझे घर जाना नहीं होता ना
तो मैं आपको फोन नहीं करता। नहीं नहीं भाई, मैं वो जानता हूँ, बोलना फोन क्यों किया। पोपट भाई, आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? बस एक आध घंटे में पहुँच जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ यहीं पे। ठीक है अब्दुल, आता हूँ। ओके 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 पोपट भाई। क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैंने चाचा जी को पूरी रात संभालने की जिम्मेदारी ली है और अब्दुल को भी घर जाना है। गोकुलधाम तो जाना ही पड़ेगा, डर के बैठने से कुछ नहीं होगा। उठो पोपटलाल, हिम्मत रखो, भगवान का नाम लो और निकलो गोकुलधाम के लिए। इतनी डरावनी रात है, रास्ता भी सुनसान है, एक रिक्शा नहीं दिख रही। ऑटो 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 ऑटो, रिक्शा रुको। गोकुल कहाँ जाएंगे पोपटलाल जी? कहीं नहीं, कहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। जाओ 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 जाओ। भाई जाना नहीं तो रिक्शा क्यों रोकते हो? सॉरी सॉरी सर। आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या है? ए, ए, क्या कर रहे हैं? रिक्शा वाली है ना? क्या गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर के लिए जाओगे? इधर से कहाँ बैठ रहे हो? चलेगा चलेगा, चलो। डरावनी दुल्हन मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी ना हो। भाई साहब, ये आज रास्ते में इतना अंधेरा क्यों है? बारिश की वजह से रोड की लाइट बंद है साहब, हमेशा का यही तकलीफ है। तुम रोज पूरी रात रिक्शा चलाते? हाँ साहब, पूरी रात। अपना तो सुबह 8 बजे गुड नाइट होता है साहब। तो एक बात बताओ भैया, तुमने वो डरावनी दुल्हन के बारे में सुना? अरे बाप रे साहब, किसका नाम ले दिया आपने? तुमने सुना है डरावनी दुल्हन के बारे में? सुना नहीं साहब, मैंने तो देखा भी है। तुमने डरावनी दुल्हन को देखा है? बिल्कुल देखा है साहब, बहुत डेंजरस है वो साहब। कब देखा? रोज देखता हूँ साहब। हाँ साहब, उससे बचने के लिए तो मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। मतलब? अरे मेरी बीवी साहब, उसी से बचने के लिए मैं पूरी रात ऑटो चलाता हूँ। मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डरावनी दुल्हन इंसान नहीं है, भूत है। भूत तो सबको डराती है और कुंवारों पर अटैक करती है। अरे अरे साहब, आधी रात को क्यों डरा रहे हो साहब? क्यों चिल्ला रहे हो? बाजू की रिक्शा में देखो। अरे इधर इधर, बाजू बाजू। हमारे आजू बाजू क्या दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं है सर। तब भगवान के लिए मुझे डराना बंद करो और आंखें बंद करके बैठो। ठीक है। Thank you.
क्या लुका छुपी खेल रही है। चलिए उतरिए। क्यों? अरे वो देखिए आपकी सोसाइटी आ गई है सामने। भाई साहब आप सोसाइटी के अंदर ले लीजिए। नहीं नहीं साहब मैं अंदर नहीं जाएगा साहब। अरे अरे 10 रुपया ज्यादा ले लेना। अरे साहब 10 रुपये क्या, अगर 50 रुपये भी ज्यादा दोगे तो भी मैं अंदर नहीं जाएगा। अरे भैया समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब मुझे भी डर लग रहा है। साहब मेरे 113 रुपये आए हैं मीटर में, वो मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा साहब। चलो भाई छुट्टा रखो भाई। जी साहब। दुल्हन लफ्ज का पोपटलाल से कमाल और अजीब का नाता रहा है। पोपटलाल ने जिंदगी भर दुल्हन का ख्वाब देखा है, हर वक्त ख्यालों में बस दुल्हन ही दुल्हन, लेकिन इस वक्त एक ऐसी दुल्हन का नाम सामने है जिनके ख्याल मात्र से पोपटलाल डर रहे हैं। डरावनी दुल्हन। अब ये डरावनी दुल्हन खाली घरों में बसती है, कुंवारों पे झपटती, उनकी शादी नहीं होने देती, और पोपटलाल के दिमाग में इस दुल्हन का डर बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह फैल चुका है। और पोपटलाल इस वक्त आ रहे हैं सोसाइटी कंपाउंड में। देखना ये है क्या उनका ये डर सच साबित होता है, क्या उनका मुकाबला इस डरावनी दुल्हन से होता है, क्या दुल्हन उन्हें डराएगी या वो दुल्हन से बच जाएंगे। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि पोपटलाल की हालत होगी खस्ता, लेकिन आपका परिवार रहेगा हंसता जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा पोपटलाल का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.